तीन फूरी सजाई जा चुकी है और सलामी जोड़ी सुल्तानपुर के दोनों मैदान पर आ चुकी है। सलामी बल्लेबाज के रूप में समीम स्ट्राइक लेंगे। समीम स्ट्राइक लेंगे और ऑन स्ट्राइकर बैट्समैन इंतकार। समीम स्ट्राइक लेंगे, इंतकार रन स्ट्राइक। देखते हैं सुल्तानपुर की तरफ से पहला ओवर कौन लेकर आते हैं। बॉलिंग स्ट्राइक लेंगे तमीम। पहला ओवर करेंगे, देखते हैं क्या इस ओवर में अपनी टीम को कोई शुरुआत दिया पाता है या नहीं। और स्ट्राइकर बल्लेबाज तमीम, देखते हैं सुल्तानपुर को कहां तक पहुंचा पाते हैं और उसे खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, कोई रन नहीं। इस तरह से खाता खुलता हुआ सुल्तानपुर का पहली बॉल और नौ बॉल एक रन पर सुल्तानपुर का खाता खुला नौ बॉल के साथ। तमीम स्ट्राइक लेंगे और राधा बॉलिंग करेंगे। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तमीम, हमारे अंपायर तंबी रखता तमीम और उसे लेग साइड में मारना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले को छूते हुए ऑफ साइड में गई, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर एक रन सुल्तानपुर का। काफी अच्छा मैच तमीम और उसे लेग साइड में करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी एक रन पहला ओवर पर भी स्कोर। राधा गेंद करेंगे तमीम को और इस तरह से पहला विकेट सुल्तानपुर का, पहला झटका जबरदस्त झटका एक रन के स्कोर पर। पहला समीम आउट होकर भावे गेम जा चुके हैं सुल्तानपुर। पहला विकेट सुल्तानपुर को दिलाते हुए काफी अच्छा खेल चलता हुआ और इस तरह से सुल्तानपुर का पल्ला भी निभाई। सलामी बल्लेबाज तमीम फोरेलियम में जा चुके हैं। काफी अच्छा मैच देखने को अभी तक मिला है दर्शकों को। मैं आपको बता दूं सुल्तानपुर को जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उसके जवाब में सुल्तानपुर ने 70 रन का स्कोर खड़ा किया। अब दूसरे बल्लेबाज अब्दुल्ला एक मिनट गिरने के बाद आए। अब्दुल्ला बॉलिंग करेंगे सुल्तानपुर की तरफ से, अपना पहला ओवर टीम का पहला ओवर। अब्दुल्ला देखते हैं अपनी टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं। पहला झटका लग चुका है सुल्तानपुर का और उसे उठाकर मारना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर एक रन एक विकेट के नुकसान पर। अब्दुल्ला राजा की गेंद के सामने करेंगे और उसे लेग साइड में खेल दिया है, कोई रन नहीं। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर, राजा का काफी अच्छा ओवर सुल्तानपुर के लिए और अब्दुल्ला सामना करेंगे और उसे ऑफ साइड में खेला है खुद एक रन और स्कोर जा पहुंचा दो रन। रन नहीं हुआ ओवर की समाप्ति एक रन। अभी भी सुल्तानपुर का काफी खराब हुआ और जो टीम फाइनल में प्रवेश करके जीतेगी उसको और अभी की तरफ से मान्यता सर्टिफिकेट दी जाएगी। अभी स्ट्राइक पर इंतकार बॉलर ने जावेद इंतकार इस मैच में पहली बार स्ट्राइक लेंगे। जावेद का काफी अच्छे बल्लेबाज पिछले मैच में और उसे अंपायर द्वारा व्हाइट करा दिया गया। स्कोर जा पहुंचा दो रन। दूसरा ओवर प्रगति पर रवेद का पहला ओवर और इंतकार देखते हैं क्या कर पाते हैं और गेंद गई
विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, अभी भी इसको दो रन, दूसरा मुफर के ऊपर काफी अच्छा मैच। देखते हैं इंतकाम अपने टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं, और उसे मारना चाहते थे, फिर से रन गई विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, अभी भी इसको एक दो रन। हरानपुर की तरफ से दूसरा ओवर कर रहे हैं और निकले जल्दी चला और गेंद गई कवर बांधने के बाद चार रन, इसको तेजी से जा पहुंचा छह रन। दूसरा ओवर पर गई पर हमारे अंपायर बनते और तहवीर द्वारा चार रन दिया गया, काफी अच्छा अंपायरिंग। और इस टाइगर में इंतकाम पिछले मैच में काफी अच्छे बल्लेबाजी किए थे और बॉलिंग करने के लिए तैयार इंतकाम फिर से तैयार कर ले और उसे मारना चाहते थे, लेकिन गेंद गई साइड पर कोई रन नहीं, अभी भी इसको छह रन। दूसरा ओवर पर गति पर सुल्तानपुर का और उसे खेल दिया लेकर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद उसको भेज दिया गया, कोई रन नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ छह रन। इंतकाम चार रन बनाकर मैदान में और उसे मारना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ। ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर समाप्त और इसको जा पहुंचा छह रन, काफी धीमी शुरुआत। अगर सुल्तानपुर को इस मैच में पकड़ बनाना होगा तो दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा तेज खेलना होगा। इस तरह से सुल्तानपुर का स्कोर छह रन, सुल्तानपुर का पूरा भारी और बॉलिंग करने के लिए आए हैं राजा, हाँ उसे खेल दिया है और चार रन, इसको जा पहुंचा दस रन। तीसरा ओवर पर गति पर इसको दस रन, अब्दुल्ला के बल्ले से चलता हुआ चौका, अरे इस तरह से सुल्तानपुर का दूसरा विकेट दस रन की रोक पर चलता हुआ। जीत के लिए 71 रन बनाने होंगे। ताज
और ये खेलना चाहते थे हम पैसा ही सारा वाइट बोल अब कम से काफी बार उसको जा पहुंचा 19 रन अगली गेम ताज और एक ने को सीधा स्टेट ड्राइव के लगाए 4 रन के लिए और उसको जा पहुंचा 23 रन बोलिंग को साइड अब राउंड अभी के ज्वाइन करेंगे ताज इंतखाब के लिए और अब चंद्र काफी बाहर बैठ हुए कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 23 रन ताज का पहला ओवर पारी का चौथा ओवर ताज राउंड विकेट और यहां पर प्लेन आउट होते हुए और इस तरह से तीसरा विकेट गिरता हुआ जो कि बंजापुर और खेला जाएगा मैं बता दूं कि जो टीम फाइनल भी देता होगी जो पूरे सावन में ये पहली बार मिले टीम को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हाँ क्रिकेट क्लब की तरफ से जो पूरा मान्यता प्राप्त है हमारे बिहार सरकार से और वो जहां भी जाए उनके मान्यता ये क्लब किस क्लब में जाए वो खेल सकते हैं अगले बल्लेबाज तैयार और बीच में कोई रनिंग स्कोर नहीं 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर टीम मैच में टोका में ये पहली बार नियम है कोई भी विजेता टीम को फाइनल में सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगली गेंद और गेंद वहां पर नहीं है कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 23 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तानपुर का स्कोर 23 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए उनके पूरे 71 रन के बाद बनाने हैं और मैं बता दूं कि फाइनल मैच में विजेता टीम को ट्रॉफी और विकेट से नाम लिया जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द सीरीज और हमारे एनएच एक्सपर्ट की तरफ से फाइनल टीम में जो भी दो टीम जाएगी उन्हें एक टीशर्ट दिया जाएगा प्रत्येक खिलाड़ी को जो एनएसएसपोर्ट की तरफ से दिया जाएगा जिनका दुकान धनबादी मथुराजपुर में है अगले बोलर जावेद और राम विकेट और सीधा खेला पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए और 4 रन के बाद स्कोर का पहुंचा है 27 रन पांचवा ओवर प्रगति पर और ये जावेद का आखिरी ओवर है पारी का पांचवा ओवर दानिश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दानिश सामना करेंगे जावेद का और ये स्कोर अच्छा अपना करते खेला और पारा इस रन नो बॉल और इतने रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन नो बॉल और स्कोर जा पहुंचा 28 रन और ये जो खेलना चाहते थे बीच में कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 28 रन पचवा ओवर प्रगति पर दानिश सामना करेंगे जावेद का और जो सीधा खेला मिड ऑन की तरफ यहां पर फील्ड किया गया कोई रन नहीं जावेद इस ओवर में अगली बार राउंड द विकेट दायां के बल्लेबाज के लिए और इनका सीधा खेला वहां पर कोई बाड़ी के तरह 4 रन के लिए और इस 4 रन के साथ एक स्कोर जा पहुंचा है 32 रन अच्छी बल्लेबाजी दानिश द्वारा एक स्कोर जा पहुंचा 32 रन पांचवा ओवर प्रगति पर जावेद का आखिरी ओवर जावेद दायां से राउंड द विकेट और अच्छा अपना सामना करते खेला कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 32 रन जाने और खेलना चाहते थे बीच हुए और ये ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद एक खोजा पहुंचा है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर बचे हुए 30 गेंदों में बचे हुए 30 गेंदों में 39 रन की आवश्यकता जीत के लिए और बचे हुए 30 गेंदों में 5 विकेट की आवश्यकता उल्हानपुर को जीत के लिए और बचे हुए 30 गेंद में 39 रन की आवश्यकता सुल्तानपुर को और एक और अभी 32 रन जावेद का ओवर खत्म हो चुका है अगले बोलर का नाम ताज ताज का दूसरा ओवर ये इनके खाते का आखिरी ओवर और पारी का ये छठा ओवर 32 रन उनके सामने
तैयार। और ये प्रति अकेले फाइनल की तरफ वहां पर रन आउट का चांस और एक आसान सा रन आउट वहां पर 40 रन आउट होकर पवेलियन में जाते हुए और इस तरह से चौथा विकेट गिरता हुआ 32 के योग पर उलहानपुर का टॉस हार कर पहले पहले बातें करते हुए उन्होंने 70 रन बनाए थे और उसके जवाब में 32 पर 4 विकेट के नुकसान पर और थोड़ी तेजी से चेली गई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच जिसका खामियाजा वो भगतना पड़ा सुल्तानपुर को। उनका खामियाजा यह हुआ कि उनका एक बल्लेबाज दानी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वे पवेलियन में जा चुके हैं अब उनके स्थान ले रहे बैट्समैन का नाम मैं जानना चाहूंगा अर्षद ईशान आए ईशान तैयब चार लगाएंगे अब सुल्तानपुर के खुद कैप्टन ईशान आए हैं नॉन अटैक में मौजूद है तैयब सामने करेंगे ताज का ताज अब ये प्रतिदा कह रहे हैं वहां पर कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर ताज का ये दूसरा ओवर पारी का छठा ओवर ताज का खाते का ये आखिरी ओवर है उनका और ये खेलना चाहते थे बीच हुए कोई रन नहीं अभी भी स्कोर 32 रन और स्कोर अभी भी 32 रन झटा प्रगति पर अगली गेंद और लेफ्ट साइड से काफी बाहर हमारे इमरान अंबर द्वारा आउट वाइड और इतेगरा के पास स्कोर का पहुंचा 33 रन ताज तैयब के लिए अगले नतीजा खेला है वहां पर और ये आउट स्कोर जा पहुंचा है 33 रन और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर सुल्तानपुर का स्कोर 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी जीत के लिए अभी भी 38 रन की आवश्यकता बचे हुए 24 गेंदों में 5 विकेट के नुकसान पर 33 रन अब देखते हैं अगले बॉलर के रूप में बॉलर नेम सदमान सदमान का पहला ओवर पारी का ये 7वां ओवर उनके सामने ईर्षाद और एक से काफी बाहर वाइट और इतने रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन पारी का 7वां ओवर सदमान का पहला ओवर और ईर्षाद पूरा जिम्मेदारी उनके कंधों पर उनका टीम उनसे काफी उम्मीदें किए हुए हैं ईर्षाद टीम के कैप्टन अब गेम करेंगे सदमान राउंड द विकेट और साथ ही ये प्रतियोगिता खेला है पहले बाजी के बाहर 4 रन और इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 38 रन और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 38 रन
हम ओवर द विकेट गेंद करेंगे और अंपायर का इशारा नो बॉल और इस एक रन के साथ जो खोजा पहुंचा है 39 रन। और स्कोर अभी भी 39 रन, सातवां भी प्रगति पर, 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और अच्छी फील्डिंग हो जानी, स्कोर अभी भी 39 रन, सातवां भी प्रगति पर। सामना करेंगे सही है सही और एक बड़ी बात चिपके अगर जा सकते बीट हुए इस साथ। रानित अपना सीमा पार कर चुके हैं, पहले ही कहा गया था कि कोई खिलाड़ी वहां नहीं जाएगा और वाई क्योंकि वो बॉल नीचे हो गया है, रेसिपियन आदि कुछ बॉल को सीधा करे और इसको जा पहुंचा 40 रन और अब जम के बाहर बी टू ए कोई जगह नहीं, सातवां में प्रगति पर, 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन, सुल्तानपुर का स्कोर और अपार है तरह वाइट और इसको जा पहुंचा है 41 रन। सही और अब तक बार नौ बोला पर है सारा और इसको जा पहुंचा है 42 रन, पारी का सातवां ओवर 42 रन, सुल्तानपुर का स्कोर। अगली गेंद और अच्छी फीलिंग ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 5 विकेट के नुकसान पर सुल्तानपुर का स्कोर। जीत के लिए 29 रन चाहिए 18 के अंदर, बोल आनी थोड़ा फीडा करे जाकर। हमीद इलेक्ट्रिक बोल को ठीक किया जाए, वहां फील्डिंग करने में दिक्कत हो रही है, फ्री ले जाएगा खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुल्तानपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए थे, उसके जवाब में सुल्तानपुर का स्कोर सीढ़ी को लाते हुए जो काफी खुश है आज, शायद उन्हें कुछ साथ उपहार मिला है जो हमसे शेयर नहीं किए अभी तक, करेंगे कल। सलीम ओ रुसे की नहीं चुने, अच्छा इंसान है मेरा, वो स्टूडेंट है वो अंदर पहले चश्मों से संपर्क कर सकते हैं, एक बार उनको मौका दे अगले बोलर के रूप में। नाथी पारी का आठवां ओवर सलीम अगेन का पॉइंट बाद के बाद खेला 4 रन और ये 4 रन के बाद स्कोर जा पहुंचा 46 रन। नाफीर खेला है और ये हमारे पास आगे किया है और 9 बॉल 5 रन ले गया अच्छी अंपायरिंग 4 रन और ये 4 रन के पास 5 रन ले 51 रन, 51 रन जा पहुंचे गए अच्छी बल्लेबाजी, 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन और ये थोड़ा छात्मक ढंग से खेला कोई रन नहीं, एक स्कोर अभी भी 51 रन। अगली गेंद अगेन को भी सामने बाद के बाद 4 रन और 4 रन के बाद 55 रन। काफी उत्साह दर्शकों में स्कोर पर अपने चहेते खिलाड़ी को देखकर और स्कोर जा पहुंचा है 55 रन, अच्छी बल्लेबाजी, 3 चौके 1 ओवर में आ चुके हैं और गेंद को फिर खेलना चाहते थे बीच हुए कोई रन नहीं, जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता 55 रन और गेंद को खेला है वहां पर कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 55 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। नाफी
अगली गेंद और ये बड़ा धक्का रन देखेगा कोई या नहीं और ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर सुजान पर गए स्कोर 55 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन मारे गए थे 16 रन। मैच रोमांच की तरफ और बहुत रोमांच होता हुआ मैं आवाज आओगे तभी दर्शकों में गुजारिश करूंगा इस रोमांच मैच को देखने के लिए एक मुद्दा पीछे हो जाए ताकि अच्छा रहेगा। जो टीम खींचा गया वो बाउंड्री लाइन के पीछे ही रहे कमर बाउंड्री पर जितने दर्शक है उनसे गुजारिश है जो इनाम के पास कमर बाउंड्री है वहां थोड़े पीछे रहे। स्कोर 55 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद अभी मैच रोमांच होता हुआ पीपीएस का मैच है पहला सेमी फाइनल रोमांच से भरपूर। अगले बॉलर राजा राजा का ये आखिरी ओवर पारी का नवा ओवर आप कप्तान इस साथ उनके सामने 55 रन और गेंद को सीधा खेला है कमल पानी के बाद 4 रन और छोटा बेटा है निश्चित रन सेमी पारी काफी अच्छी पारी यहाँ पर इस साथ द्वारा पहुंचा है 59 रन। अगली गेंद राजा गेंद करेंगे इरशाद के लिए अब गेंद को खेलना चाहते थे और यहाँ पर 9 बॉल और इस रन के साथ खोजा पहुंचा 7 रन 9 बॉल 7 रन और खोजा पहुंचा है 7 रन। दर्शक मैदान से ना बोले बाहर थे मैं दर्शक से गुजारिश करूंगा खेल हम बारह बारह दोनों ने भाई हम दर्शक से गुजारिश करेंगे कि बाहर से ना बोले उलानपुर के दर्शक से गुजारिश करेंगे अपना संयम बरकरार रखे इसको क्या पहुंचा है 60 रन अगले प्रतिदा के बाद वहां पर 1 रन और इसको क्या पहुंचा है 71 रन इसको क्या पहुंचा है 61 रन जीत के लिए अभी 10 रन की आवश्यकता। अगली गेंद साली और वहां पर दोनों बने बने तेजी के बाद 1 रन पूरा कर दिया और 4 रन 5 रन ले लिए 5 रन और इस पर से निकाले छोटा छोटा ने किया नौ चार रन और बाकी
पैया की जरूरत। ओवर फोन लेकर आते हैं ओलांडी के तरफ से, ये देखने वाला बात होगा। सबकी दिलों की धड़कन भरते हुए और खास करके मतदाताली 6 बॉल 4 रन और आखिरी विकेट 6 बॉल 1 विकेट ओलांडी को और 6 बॉल 4 रन सुल्तानपुर के लिए। अगले बॉलर के रूप में सदमान पारी का दसवां ओवर अपने खाते का दूसरा ओवर 6 रन 4 रन। अब हमारे बंटी अंपायर द्वारा फिर से खेल को शुरू किया गया। ओवर द विकेट और गेंद को सीधा खेला है बॉलर की तरफ, कोई रन नहीं, एक स्कोर अभी भी 67 रन